बता दें कि आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनी इंफोसिस से नौकरी छोड़कर जाने वाले इम्प्लॉयज की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर तिमाही दर तिमाही के आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है। आमतौर पर आईटी कंपनियों के बीच अक्सर टैलेंटेड इम्प्लॉयज को अपने पास बुलाने के लिए एक तरह का बॉर्ड चलता रहता है। इन्फोसिस ने बुधवार को जनवरी मार्च 2022 तिमाही के परिणाम जारी किए हैं। इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस तिमाही के दौरान कंपनी से 27.7% कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए हैं। ये बीते 12 महीनों में नौकरी छोड़कर जाने वालों की संख्या सबसे अधिक है। ये लगातार तीसरी ऐसी तिमाही है जब नौकरी छोड़ने वाले की संख्या 20% से ज्यादा रही है। इस मामले में इन्फोसिस ने टीसीएस को भी पीछे छोड़ दिया है। सोमवार को टीसीएस ने जानकारी दी थी कि उसके यहाँ से नौकरी छोड़ने वाले की संख्या 17.4% रही है। आईटी सेक्टर में लोगों के कंपनियां बदलने की एक बड़ी वजह है दूसरी कंपनी से अच्छे पैकेज मिलना। इसके अलावा मार्केट में टैलेंटेड एम्प्लॉयज की कमी की वजह से कंपनी एक दूसरे कंपनी के लोगों को ज्यादा पैकेज पर हायर करती है।